मैं एलसी भकोरिया उद्यान विभाग से हूँ और हमारे किसान भाई श्री संतोष कुशवा जी ग्राम बरखड़ा बोंदर विकासखंड फंदा जिला भोपाल मध्य प्रदेश के हैं। और संतोष जी, आपने जो पॉली हाउस जो बनाया है, एक एकड़ में जो पॉली हाउस बनाया है आपने, तो इसमें आपको कितना खर्चा आया टोटल? इसमें टोटल खर्चा आया सर 37,40,000। 37,40,000 उद्यान विभाग से आपको कितना अनुदान मिला इसमें? इसमें हमें 18,70,000 रुपये अनुदान मिला। 18,70,000 में अनुदान। आपने इसमें जो प्लांटिंग मटेरियल आपको ककड़ी का है, ये भी शासन से आपको अनुदान मिला है? हाँ, इसमें कितना अनुदान मिला? इसमें 2,80,000 रुपये। अच्छा, 2,80,000 आपको अनुदान मिला है। और इसमें आपने जो ककड़ी लगाई है, तो ककड़ी आपकी बहुत अच्छी है। और इस ककड़ी आपकी जो निकल रही है, ये पर डे कितनी ककड़ी निकल जाती है इसमें से? रोज से 10 क्विंटल के समथिंग निकल जाती है। तो इसका जो आपको जो मार्केट में डेली जो पैसा कितना मिल जाता है? 5 से 10,000 रुपये। 5 से 10,000 में मिल जाता है आपको। तो संतोष भाई, आपको 5 से 10,000 रुपये इसमें इनकम होती है। तो ये फसल कितने महीने चलती है? ये 4 या 5 महीने। 4 और 5 महीने में आपको ये फसल चलती है। तो ये मान के चलें आपको कि 10 से 15 लाख रुपए आपको पूरे मौसम में आपको इनकम इसकी हो जाती है। तो आपको कैसा लगता है पॉली हाउस में? आपको आपका मतलब क्या, मतलब आपकी पारिवारिक सुधार जो आया है और डेली जो पैसे आते हैं, उससे आपको कैसा लगता है? सर, उससे काफ़ी मतलब सुधार हुआ है परिवार में जी, कि डेली में जाकर आवक हो जाती है। अच्छा, जो पहले हम मौसमी फल फसलें करते थे उसमें डेली में आवक नहीं होती थी। अच्छा, उससे इतना फ़ायदा नहीं था आपको? उससे इतना फायदा नहीं, उससे पारिवारिक स्थिति आपकी इतनी अच्छी थी नहीं थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आपने पॉली हाउस लगाया, इसमें सब्जियां ली, उससे आपकी पारिवारिक स्थिति सुधरी है। सुधरी, यही आपकी सफलता की कहानी है? यही मेरी सफलता की कहानी। अच्छा, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं इससे मतलब बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अच्छा, आप किसी दूसरे किसानों को आप इसका पॉली हाउस लगाने के लिए उनको बताएंगे? बताऊंगा, जिससे पॉली हाउस में आप सब्जी भी लगाएं और फूल भी लगाएं। फूल भी लगाएं, तो यही आपकी, यही मेरी मतलब सफलता का। बहुत धन्यवाद।